हेलो हेलो पूज गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हुआ। किरण जी रहो राजा सदा दुखी रहो। कहो राजन, आज हमारे आश्रम में अचानक आना कैसे हुआ? पूज गुरुदेव, हम आपसे कुछ अनुनय विनय करने आए हैं, कुछ हम विषम परिस्थितियों में हैं, इसका मार्गदर्शन चाहते हैं। ठीक है राजन, आपका मार्गदर्शन तो होगा ही, लेकिन आपका मुख मलिन आज इतना क्यों है राजन? गुरुदेव, दशरथ की चिंता किसी से भी छिपी नहीं है, किंतु यदि आप जानना चाहते हैं तो सुने। बताइए राजन, आपकी चिंता का क्या कारण है? गुरुदेव, धन धान्य पूर्ण है जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी है, और फागुन है रंग प्रमोद पूर्ण, तो विश्व पूर्ण सान भी। धर्मानुसार है चतुर वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी है, सच्चा व्यवहार मान भी है, संगठन चरित्र गठन भी है। परंतु गुरुदेव, आ राजन, सब कुछ है परंतु क्या राजन? सब है मेरे पर पुत्र न है, और तब तक भी कोई लिया न है, विधना ने बेटा कर चुका विवाह तीन अब तक, फल फिर भी उसका मिला नहीं, चौथा पलियाने वाला है, पति कमल अभी तक खिला नहीं। मैं निर्बल होता जाता हूँ इस प्रबल दुख में। वह तरुवर भी क्या तरुवर है, अरे फल ही जिसमें उत्पन्न
जलधरे भी क्या जलधरे जल ही से जो गुरुदेव पाए वही ओ अरे यह चित्र प्रफुल्लित हो जाए आंखों में भी आए प्रकाश आत्मायन कम से कम एक पुत्र ही हो अरे जिससे रघु वंश चले अपना पितरों को भी तर्पण पहुंचे आगे को वंश बढ़े गुरुदेव क्या मेरी मृत्यु के पश्चात यह सूर्य वंश सदैव के लिए अस्त हो जाएगा क्या भगीरथ हरिश्चंद्र का नाम मेरे मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगा यही चिंता मुझे रात दिन भय जा रही भगवान यह सेवक आपकी शरण में आया है प्रभु मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव अयोध्या पर समय से पहले कुछ भी नहीं हो पाया विधाता की अपार माया उसका विधान रचना आखिर कौन पढ़ पाया है अयोध्या पर कहिए गुरुदेव नाम जो है वह पुत्रों से नहीं होता अपित कर्मों से होता राधन कहिए गुरुदेव आप चिंता ना करो राधन क्योंकि चिंता है परीक्षिता से भी नरकों को बनाती है मुर्दे को चिता जलाती है चिंता पीते को राजन हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं अरे घर को शमशान बनाता है राजेंद्र व्यक्त है यह विचार बेटा कब बनते अध्यापक कहिए राजा देखिए आज तक के महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है प्रहलाद आदि को पुत्रों ने नाम इच्छा है अगर पुत्र ही की पुत्र के संविधान करो पाओगे चारे पुत्र राजन भगवान विष्णु का
राजन कहिए गुरुदेव पुत्र यज्ञ के विशेष श्री श्रृंगी को बुलवाना होगा मान तुम्हारे होते हैं उनको आचार्य बनाना होगा क्या गुरुदेव श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाना होगा हाँ राजन राजन आप एक काम कीजिए आप महलों में जाकर हवन सामग्री का प्रबंध कीजिए मैं श्री रिंग श्री श्रृंगी ऋषि को लेकर महलों में आता हूँ ठीक है गुरुदेव हाँ जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव मुझे अनुमति दीजिए आइए राजा तुम्हारा कल्याण हो तेरा राम जी करेंगे तेरा ऐसी बात है कि जो आप इतना प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं आप ये जो यज्ञ हुआ गुरु जी के द्वारा संपन्न हुआ उसमें अग्निदेव जी प्रकट हुए और ये खीर दिए हैं तुम सब इसे आपस में बांट कर खा लो जो आगे बहन देखो आज
का अनुष्ठान हुआ था वो संपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि देश की हमारी भाग्य जाग गई है कि आज भला लेकिन क्या कहती हूँ कि मन का दिखाई कहा जाया
कि मन कर खाई कचाया मन के तेरी नामरी चारों वर्ण अपने कर्तव्यों और दायित्वों का भलीभांति पालन कर रहा है या नहीं? हाँ महाराज, चारों वर्ण अपने कर्तव्यों का पालन भलीभांति कर रहे हैं। बड़े खुशी की बात है। श्रेष्ठ के चरणों में अयोध्या पद का प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। करि दंडवती मुनि सन्मानी दिद्यासनी बैठा रहियानी यही कारण आगमन तुम्हारा कहाँ उसो करती न लावा बारा। सुमंत जी
मुनिवर के पांव पखारने के लिए जल ले आइए। चरण पखार की नियत पूजा मौसम आदि धन नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवा मुनिवर हृदय हरस यति पावा। मुनिवर आपके चरण हमारी राजधानी पर हमारे महल में पड़ते ही हम धन्य हो गए। हे मुनिवर, आज हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। कृपा करके आप अपने पधारने का प्रयोजन करें। राजन, हम बहुत दुखी होकर आपके पास आए हैं। राजन, क्या कहा, आप बहुत दुखी होकर आए हैं? हाँ महाराज। राजन, मेरी बात को सुनो। कहिए। अभिलाषा पूर्ण करो मेरी, सुनिए नगर नरेश, वचन भरो तो मैं कहूँ अपना शुभ समझे। मुनिवर, जो पावोगे सो पावोगे, यह दृढ़ संकल्प हमारा है। कहिए संकोच त्याग करके प्रयोजन गया तुम्हारा। सुनो राजन, कहिए गुणश्रेष्ठ, सुनिए सुनिए। नित धैर्य धरो राजन, कारण मैं अभी बताता हूँ। वो यज्ञ करने नहीं देते मुझको, अब निश्चर बहुत सताते हैं। राजन, कहिए मुनिवर। दुख कहिए मुनिवर, मेरी बात को सुनो। कहिए मुनिवर, तुम अपने पुत्र राम लखन को सौंप मुझे, कुछ दियो सौंपो, इसमें है पूर्ण सुनि तुमको कल्याण हर से।
चुकी है, क्या करें उन्होंने। हे पुण्यवान दाना पालन है, अरे भोले भाले नादान मिले, और रण विद्या नहीं जानते हैं।